गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए हम लोग आज इंटरनेट के बारे में देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इसके बारे में जो भी थोड़ा मोड़ा बातें होंगे उसको डिस्कस करेंगे। इंटरनेट है ना, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इसे वर्ष 1950 में बिंटसेफ ने शुरू किया था। कब किया था? 1950 में। किसने किया था? बिंटसेफ ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट बिंटसेफ। ठीक है, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। विश्व का आपस में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की, है ना। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम उस डिजाइन या प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट के लिए क्या क्या उपकरण चाहिए? देखिए, अगर इंटरनेट का आपको यूज करना है तो आपके पास एक ठो पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, एंड मॉडेम की सुविधा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन मीडिया होनी चाहिए, वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का छोटा समूह इंट्रानेट कहलाता है। देखो, इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट की बात हो रही है यहाँ पर ना। क्या हो रहा है? इंट्रानेट एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का छोटा समूह इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रानेट होता है। एक क्या होता है? एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंट्रानेट के रूप में भी देखा जा सकता है जो संगठन से बाहर के उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है, प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं। देखिए क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत अनिवार्य चीज़ है इंटरनेट के लिए, है ना। प्रोटोकॉल नियमों का वह सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं, TCP या फिर IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP फुल फॉर्म आ सकता है, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, पर इनका उपयोग एक साथ किया जाता है, इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। क्या क्या? TCP और IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इनका उपयोग एक साथ किया जाता है, इसीलिए इनको दोनों को मिला करके एक साथ हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग करके कंप्यूटर और सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, उसे IP एड्रेस कहते हैं। यह IP एड्रेस उसे इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां द्वारा दिया जाता है। किसी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस समान नहीं हो सकता, कोई भी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो IP एड्रेस क्या है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या फिर उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, उसे IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है।
चलिए आईपी एड्रेस के बाद आईपी एड्रेस का प्रचलित रूप बोलेंगे तो जो प्रचलित ब्राउज़र जो होगा वर्जन जो होगा आईपी एड्रेस का प्रचलित वर्जन तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आईपी वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यह एड्रेस 32 बिट का होता है। उदाहरण के लिए एक वैध आईपी एड्रेस 192.168 होता है, ठीक है। 192 को आपको याद रखना है, मेनली प्रमुख रूप से आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आता है एक, इस एड्रेस के लिए 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। 32 बिट जो है आपका क्या है आईपी वर्जन 4 के लिए ना, 32 बिट, ठीक है। और इसके लिए क्या है आपका 128 बिट नंबर का होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए 2001-1278 OB7A 4321-001 ये सब क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब AIP एड्रेस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी हो गया ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल सेंडर के सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का कार्य करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यह प्रोटोकॉल मेल एक्सेस करने के कार्य में उपयोग होता है। यह मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह कार्य करता है। यह सर्वर में आए हुए मेल को यूजर के सिस्टम में लाने का कार्य करता है। POP3 ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल हमें सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें हम किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस के द्वारा अपना मेल पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए लैंग्वेज है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या। चलिए तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, कि ये सब इंटरनेट के बारे में जो हमने पढ़ा। मेन चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको जानना होगा, है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आई मतलब इंटरनेट, पी मतलब प्रोटोकॉल, एड्रेस मतलब एड्रेस, ठीक। तो इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। यह आईपी एड्रेस उसे इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा दिया जाता है। किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता, ठीक है। बस आईपी एड्रेस का प्रचलित प्रारूप है आजकल जो चल रहा है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, आईपी एड्रेस का फिर दो प्रकार,
स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, उसके बाद एसएमटीपी है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी वर्जन 3, ठीक है। इसके बाद आईपी आई मैप प्रोटोकॉल, आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एचटीटीपी, HTTP क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक और क्या आता है, S लगा रहता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे इंटरनेट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।